जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक पूर्णिमा को गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना, मंदिरों में दीप आदि का दान करना, तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करना, इन सबों का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का एक अपना विशेष महत्व माना गया है, जहाँ पे प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान विष्णु भगवान सत्यनारायण की विशेष प्रकार से पूजा की जाती है। वहीं पे भाद्रपद मास की पूर्णिमा को विशेष प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी प्रकार के जो कि दैविक श्राप होते हैं, ऋषि श्राप होते हैं, उन श्रापों से मुक्ति प्राप्त होती है तथा यह सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन से ही जो कि पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जिसमें भाद्रपद पूर्णिमा को महालया श्राद्ध इस दिन को माना जाता है और इस दिन ऋषि तर्पण किया जाता है और अगले दिन से फिर पितृ तर्पण शुरू होकर के अमावस्या तक जो कि यह पितृपक्ष का कर्म चलता है। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव जो कि सभी प्रकार के आरोग्यता को प्रदान करने वाले हैं, तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद इस दिन जो कि भगवान शिव की विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का जो कि जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को जो कि सफेद वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव जी को जो कि तीन पत्ते वाला बेलपत्र उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। भांग धतूरा शमी पत्र चढ़ाए, धूप दीप दिखा करके नैवेद्यादि का जो कि दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाए या ऋतु फल आदि हो तो भगवान शिव जी को भोग लगाए और फिर भाद्रपद पूर्णिमा व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्रों का या चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को अगर धारण करते हैं तो इस व्रत को जो कि 15 वर्ष तक करना चाहिए और पूजन के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। 15 वर्ष पूरे होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में जो कि पूरे विधि विधान के साथ भगवान शंकर की पूजा करें, हवन व आरती का कार्य करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाए व यथाशक्ति दक्षिणा दे करके उन्हें विदा करें। इस व्रत को करने वाले पर भगवान शंकर की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की कथा। अगर आप सब श्री सत्यनारायण व्रत कथा को सुनना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के इंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से कथा को श्रवण कर सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा तिथि के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा अन्नदान वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर जी के दर्शन करके लौट रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि दुर्वासा ने शिव जी के द्वारा दी गई बिलुपत्र की माला भगवान विष्णु को भेंट दी। भगवान विष्णु ने वह माला अपने वाहन गरुड़ के गले में डाल दी। इससे दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर विष्णु भगवान को पथ भ्रष्ट होने का शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि हे विष्णु, तुमने शंकर का अपमान किया है, तुम्हारे पास से लक्ष्मी चली जाएगी, क्षीर सागर से भी हाथ धो बैठोगे तथा शेषनाग भी सहायता न देंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने दुर्वासा को प्रणाम कर शाप मुक्त होने का उपाय पूछा।
ऋषि ने कहा कि आप उमा महेश्वर का व्रत करो, तभी सब वस्तुएं मिलेंगी। तब भगवान विष्णु ने वैसा ही किया और फिर व्रत के प्रभाव से और भगवान शिव जी के पूजन से समस्त सापित वस्तुएं जो कि भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त हो गई। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। जो भी भक्तजन पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत को धारण करते हैं या नहीं भी धारण करते हैं, तो इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन जहाँ तक हो सके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। वहाँ पे स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए, कुल देवता का पूजन करना चाहिए। इस दिन ऋषि तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। जहाँ तक हो सके मंदिरों में जाकर के या तीर्थ आदि जगहों पर दीप आदि का दान करना चाहिए। तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन अन्न वस्त्र गौ भूमि स्वर्ण जो भी आपसे बन सके, जितना भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार अवश्य ही दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। गरीबों को भोजन करवाने चाहिए, उन्हें अन्न वस्त्र जो भी हो प्रदान करनी चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का जो कि विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। और जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। बिना शिव परिवार के पूजन के भगवान शिव जी जो कि प्रसन्न नहीं होते हैं, तो जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी श्रृंगी भृंगी कीर्तमुख कुबेर कार्तिकेय आदि का पूजन करें, सर्प देवता का पूजन करें, फिर भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन तामसिक वस्तुओं का नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं तो चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए, चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के भगवान शिव जी की कृपा से मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।